हाय माय लवीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक सनस्क्रीन का रिव्यू। सो वी ऑल नो कि समर अभी स्टार्ट हो चुकी है, लाइक नॉर्थ में अभी थोड़ी सी ठंडी है, बट यस पुणे मुंबई साइड में अच्छी वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनस्क्रीन आपको समर्स में ही यूज़ करना होता है, कोई भी वेदर हो, रेनी सीजन, विंटर्स, लाइक मैं तो 12 मंथ्स सनस्क्रीन यूज़ करती ही हूँ। एंड सनस्क्रीन का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आप जो भी एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी, नियासिनमाइड, या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, टी ट्री, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप सनस्क्रीन उससे लेयर नहीं करोगे, सनस्क्रीन नहीं लगाओगे अपने फेस पे, तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स का, एक्टिव्स का आपकी स्किन पे कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। सो सनस्क्रीन इज मस्ट। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 सनस्क्रीन ज़रूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि सन की जो रेज होती है ना, वो इतनी हार्म होती है, इतना डैमेज करती है आपकी स्किन को, जो आपको अभी पता नहीं चलता है, बट एट द लाइक जैसे जैसे टाइम होता है वैसे आपको ब्राउन स्पॉट्स या आपको मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबका कारण वही होता है, सन की रेज। तो प्लीज सन की रेज से अपने फेस को, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट जरूर से करें। सो यस, आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड सैटन, एंड दिस इज सैटन सनस्क्रीन, जो कि एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन है, एंड ये आता है SPF 50 के साथ। आपको यूवी एंड यूवीबी दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगा। सो यूवी एंड यूवीबी रेज दोनों ही हार्म करती है। यूवी रेज बेसिकली आपको लाइक एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देती है, जो कि रिंकल्स एंड फाइन लाइंस टाइप की होती है, मिलाजमा या ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स। एंड यूवीबी रेज आपकी डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट करती है, जो बेसिकली आपको स्किन कैंसर भी दे सकती है। तो हमेशा सनस्क्रीन वो ही अप्लाई कीजिए जो आपको यूवी एंड यूवीबी दोनों रेज से प्रोटेक्ट करे। एंड यस, समर्स में मिनिमम आपको एसपीएफ 50 वाला सनस्क्रीन यूज करना ही चाहिए। सो ये सनस्क्रीन क्यों अलग है, सबसे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है विटामिन ई, कॉफी एक्सट्रैक्ट, लेवेंडर ऑयल एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, वी ऑल नो, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कौन कैसे वर्क करेगा। सो विटामिन ई, वी ऑल नो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, और वो क्या करता है, जो आपको फ्री रेडिकल डैमेज हो गया है आपकी स्किन पे सन की रेज से, उसको रिपेयर करने का काम करता है। एंड मोर ओवर आपको एंटी एजिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज से भी बचाता है। सो विटामिन ई हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको सनबर्न हो गया है, मतलब पहले ही अगर आपकी स्किन से डैमेज होके बर्बाद हो चुकी है, उससे भी आपको रिपेयर करता है। एंड कॉफी एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी ऑल नो कि यार हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी की गाइस, तो इसकी कंसिस्टेंसी ना काफी ज्यादा लाइट है, लाइक बहुत ज्यादा क्रीमी या गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं है, काफी थिन कंसिस्टेंसी है, और इजिली स्किन के अंदर सॉक इन हो जाती है, एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी। एंड यस, सबसे अच्छी बात की बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, आप स्किन पे लगाओ ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया है। अदरवाइज सनस्क्रीन ऐसा ना होता है ना कि इतना हैवी फील करते हैं, व्हाइट कास्ट छोड़ के जाते हैं फेस पे, और थोड़े टाइम में स्वेट आना स्टार्ट हो जाता है, बट इसके साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप लगाओगे आपकी स्किन पे, विद इन सेकंड्स में एज अ सेरम की तरह ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, और काफी ज्यादा लाइट फॉर्मूला है इसका। सो यस, अगर आपका ऑयली स्किन है या सेंसिटिव है, या आप थक चुके हो कि यार कौन सा सनस्क्रीन मैं यूज करूं, तो यू मस्ट गो फॉर दिस। काफी अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एंटी पॉल्यूशन प्रॉपर्टीज भी है, जो आपको लाइक जो भी पॉल्यूशन के कारण आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसको भी रिपेयर करने का काम करेगा। सो कंसिस्टेंसी वाइज, प्राइस वाइज, और इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार जरूर से ट्राई आउट कीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एक बार जाके चेकआउट कीजिए। सो या इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है अपने मन में, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।